मैं नवभारत विद्यालय की ओर से प्रेसिडेंट साहब का स्वागत करता हूं। आदरणीय सज्जनों, देवियों और प्यारे बच्चों, अब मैं अपने प्रेसिडेंट साहब श्री गोविंद साहिब जी से दरखास्त करूंगा कि वो स्कूल में अव्वल आने वाले लड़कों को इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाएं। नीला श्रीवास्तव, नृत्य और संगीत में अव्वल। जनार्दन भारती, कुश्ती और देशी खेलों में अव्वल। आइए, मोहन सदासुखी, नाटक में अव्वल, दर्जे में अव्वल और स्कूल में अव्वल। आइए आइए, कुछ नाराजगी है। तेरा वो नाटक कैसा रहा? पट्टी हमसे कट्टी क्यों, क्या पता होगी हमसे? भाई जी ने मेरा नाटक देखने। अच्छा, तो इस बात की नाराजगी है? सबके घर के लोग आए थे, उन्हें अच्छा काम करने को प्यार कर रहे थे, चुन रहे थे, मगर ऊपर से घर भी कट्टी कट्टी कट्टी। फर्स्ट आने वाले कभी रॉबी करते हैं? पर भैया भाई क्यों ली? मैंने कोशिश की थी मगर छुट्टी नहीं मिली। क्या बस आपको तो छुट्टी नहीं मिलती, बहुत काम करना पड़ता है, आप ये नौकरी छोड़ दीजिए। अच्छा, नौकरी छोड़ना? ये थोड़ा बहुत वनस्पति घी जो खाने के लिए मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। अरे ये तुम भूल ही गया, एक बार सच सच बताइए। तुमने मुझे झूठा समझ रखा है क्या? तो बताइए मेरी भाभी कब आएगी? भाभी? तेरी भाभी आएगी जब मेरी शादी हो जाएगी। बस यही गलत है भैया, शादी होती नहीं है, शादी करनी पड़ती है, गणेशा की माँ ने मुझे बताया। अच्छा भैया, अब आप फौरन शादी कर लीजिए। क्या रहा बोला?
मैं हूँ क्यों अकेला रहते रहते, अपने यहाँ सब कुछ है मगर इंसान नहीं है। इंसान नहीं है तो फिर हम कौन है? हम लोग हैं प्रत्येक भैया, आप अपनी शादी कर लीजिए, नहीं तो मेरी शादी करवा दीजिए। अरे पिज्जे अभी से शादी का खाद देख रहा है। अरे चल पहले खाना खा ले। वो पड़ोस में गंगा चाची के यहाँ जाना कि नहीं? अरे आज बुलदेव की शादी है ना? चल बैठ। बुलदेव की शादी हो जाए उसके बाद तेरी है? और उसके बाद फिर मेरी, ठीक है?
मोहन, इतने गौर से क्या देख रहा है रे तू? हमारे यहाँ कभी ऐसी धूमधाम नहीं होती। तेरे भैया की शादी होगी तो तेरे यहाँ भी ऐसी धूमधाम होगी। पर चाची, भैया तो शादी की बात ही नहीं करते। अरे मैं कहूँगी शाम से। जरूर कहना। अच्छा चाची, मैं एक बात पूछूँ। क्या बेटे? तुमने मेरी माँ को देखा था? क्यों नहीं। कैसी थी मेरी माँ? साक्षात लक्ष्मी थी लक्ष्मी। क्या नाक नक्शा था, वाह। भैया कहते थे जिस औरत को देखकर तेरे मन की शांति हो, ठीक वैसी अपनी माँ थी। अच्छा, इसीलिए तो उन सबकी ओर घूर घूर के देख रहा था। हाँ। वैसी औरत अब कहाँ मिलेगी बेटे, उसकी तो बात ही और थी। उसके जैसे स्वभाव की स्त्री चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। बड़ी देर कर दी लौटने में, अभी तक तो वहाँ क्या कर रहा था? गंगा चाची की शादी की बहुत धूमधाम थी, बहुत सी औरतें आई थी। भैया ये पिताजी की तस्वीर है। ये दादाजी की है ना? ये बड़े दादा की तस्वीर है, बाकी कोई तस्वीर नहीं है। हाँ? क्या कहा? मैंने कहा अपने यहाँ सबकी तस्वीरें, सिर्फ माँ की नहीं है। भैया बाकी क्यों नहीं है? मोहन वो अचानक चल बसी थी। भैया माँ भगवान की ओर कब चली गई? तेरा जन्म होते ही उनका देहांत हो गया था, उन्होंने तुझे देखा भी नहीं। देखा भी नहीं? अब अगर वो जिंदा होकर आएंगे तो मुझे पहचानेंगे मिले। और फिर उसके कुछ दिन बाद पिताजी भी गुजर गए। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा, शाम खुद लाख मुसीबतें सह लेगा, लेकिन मेरे मोहन का ख्याल रखना, उसे खूब अच्छी तरह देखभाल करना। अब तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी हो जाओ, हम कोई अमीर तो नहीं है लेकिन अपना मकान है हमारा, और मैं फिर कमा भी रहा हूं। मैं तेरी पढ़ाई लिखाई में किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा, और जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, तो अपने बाल बच्चों के साथ सुख चैन से रहेगा, तो मेरा दिल खुशी से फूला नहीं समाएगा। और भैया आप? तू मेरी फिक्र क्यों करता है, मैं तो तुझे सुखी देखना चाहता हूँ। नहीं भैया, हम दोनों सुखी। क्या शादी? क्या दिया चाची, सोच रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आ गए श्याम बाबू? जी हाँ। आज तो बड़ी देर कर दी। बात यह है भाई साहब, दफ्तर आने से पहले मुझे अपने छोटे भाई के लिए। मैं जानता हूँ। पर श्याम जी आप शादी क्यों नहीं कर लेते? देखिए वो बाबू दर्शन लाल रिटायर्ड माल बाबू, वो कई बार अपनी लड़की के बारे में मुझसे कह चुके हैं, इतना अच्छा खानदान है, सुशील लड़की है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप शादी से इनकार क्यों करते हैं। माफ कीजिए, फिलहाल मैं दो चार बरस तक शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता। लेकिन क्यों? भाई की परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर शादी के बाद मेरी बीवी का स्वभाव अच्छा ना निकला, या मैं किसी तरह से उसके दबाव में आ गया, तो मेरे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मैं उसे बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी की वजह से उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि शादी होने के बाद आपकी ये ख्वाहिश और भी अच्छी ढंग से पूरी हो। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? मेरी राय में ये मौका आपको हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए नौकरी तो सिफारिश से भी मिल जाती है, पर अच्छी लड़की तकदीर से ही मिलती है। आप मेरे साथ एक बार उनके यहाँ चलकर लड़की देख लीजिए। आप सोच क्या रहे हैं? आज शाम को चलेंगे दफ्तर छूटने के बाद। अगर आप मेरी बात सुन लेते ना एक बस तो। मुंह बंद करो। तुम्हारी और तुम्हारे छोटे भाई की जिंदगी सुधर गई, घर में लक्ष्मी आई। अजी लक्ष्मी क्या, आपकी दासी होगी, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी। अच्छा तो इजाजत है। जरूर। ये रिश्ता पक्का हो, आज मेरे मन की मुराद पूरी हुई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। आपने बड़ी तकलीफ। अजी इसमें तकलीफ की क्या बात है, गीता जैसे आपकी बेटी है वैसी मेरी। मुहूर्त निकलवा कर इत्तला कर, जैसे आपकी राह।
वरना आप कहें तो मैं आपके यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, अब आगे आ जाइए। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे हमेशा देखती रहती हो। भैया, तुझे यहाँ किस बात की कमी है, बिस्तर बार बार अपना जी दुखाया करता है। पता नहीं, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मैं जानता हूँ मेरे भैया, इस उम्र में दूसरे बच्चे सारा वक्त खेलने कूदने में लगे रहते हैं, तुझे घर में मेरे साथ सारा काम करना पड़ता है। लेकिन भैया मैं खेलता भी तो हूँ। लेकिन काम करने के बाद ना, लेकिन अब मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। आज तक मैं एक बड़ी उलझन में फंसा हुआ था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है और मैं उस फैसले पे अमल भी करूंगा। मैं नहीं समझा भैया। नहीं समझे? मैं तो समझाता हूँ। नहीं भैया, तू तो जानता है मुझे दफ्तर में कितना काम होता है और तेरी पढ़ाई भी दिन ब दिन बढ़ रही है। अब हमें घर के कामकाज के लिए उतना टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? इसलिए आज मैं एक नौकरानी देखने गया था और उसकी बात भी पक्की करा। नहीं समझे? अरे पगले, मैं तेरे लिए एक भाभी ला रहा हूँ। भाभी? भाभी। भैया, मेरी भाभी को नौकरानी क्यों कहते हो? ये पहले आपने क्यों नहीं बतला दिया? भैया, क्या सच में मेरी भाभी आने वाली है? हाँ, सचमुच आने वाली। नो, ये कोई नहीं सकता। आप कौन होते मेरी भाभी लाने वाले? मैं अपनी भाभी खुद पसंद करके लाऊंगा। लेकिन यार तू मेरी बात तो सुन। नो, सुनना, ये धोखा है। आप मुझसे पूछे बिना शादी पक्की करने गए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तो सुन तो सही। नो, सुनना, तू जाके खुद अपनी भाभी को देख ले। अगर वो मुझे पसंद आई तो मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। तो मैं बिना देख के कहता हूँ। क्या वो मुझे पसंद नहीं है? पर क्यों? भैया, आपके साथ किसी ने धोखा किया, कोई लड़की दिखा दी और आपसे हाँ कहलवा लिया। एक ही लड़की देखी वह पसंद कर ली, ये कैसे हो सकता है? गंगा चाची 10 जगह गई थी अपनी बहू पसंद करने, तब जाके बलदाव की शादी हुई। भैया, मैं ऐसी भाभी को पास नहीं कर सकता। नो सर, सॉरी। अच्छी बात है, जाके उन लोगों से कह देते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। नो 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 नो, पर भैया अपनी भाभी दिखाओ तो। चलो मेरे साथ चलो। लेकिन मेरे साथ जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें पता लिख के देता हूँ कागज पे, तुम अकेले चले जाओ। नहीं, आपको मेरे साथ आना होगा। चलो। सुन तो सही, बात ऐसी है कि मेरा बार बार वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, मैं पता लिख देता हूँ, तू चले जा। अकेला? तो क्या आज हाज तो कोई नहीं। ओके ओके। फिर बताना मुझको। हाँ, ये भाभी मुझे पसंद नहीं आएगी। क्यों? मुझसे बिना पूछे शादी पक्की करने गए, उसे नौकरानी का वो जरूर दिखने में बहुत खराब होगी, काली होगी, लंबी होगी, लूली होगी। अरे तू नाटक क्या करा, पहले जाके देख के तो आ। मैं अभी देख के आता हूँ। दर्शनलाल जी हैं? जी कहिए, मैं ही दर्शनलाल हूँ। मैं भैया का छोटा भाई। भैया का छोटा भाई? सॉरी, श्याम भैया का छोटा भाई, मोहन। अच्छा अच्छा, आइए। उन्होंने कोई संदेशा भेजा है क्या? मैं लड़की देखने आया हूँ। कौन, आप? जी हाँ, भैया की शादी तभी पक्की होगी जब मुझे अपनी भाभी पसंद आएगी। ओह, ये बात है, गुस्ताखी माफ हो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ अच्छी, जरा आराम से बैठिए। अजी, सुनते हो, गीता को देखने समझी आए हैं? गीता को नहीं, अपनी भाभी को। एक ही बात है। तो बैठिए। अरे देखती क्या हो, गीता को देखने आए हैं, ये पास करेंगे तभी शादी पक्की होगी। अच्छा अच्छा, अभी मैं गीता को भेज देती हूँ।
ये चाय तो पीते ही होंगे। यस यस। नो नो नो। आप पढ़ते हैं क्या? यस। आओ माँ, यही अपने संधि है, श्याम भैया के छोटे भाई। जीते रहो बेटा। जाओ बेटी, जाओ। ये क्या? ये रिवाज है, आप लड़की देखने आए हैं ना? पूछना हो तो पूछिए। यस यस। नो नो नो। अरे ये क्या? ये तो अजी समझी जी। ओ समझी जी। भाभी बहुत पसंद है। क्या जरूरत? सच पक्की बात ना? एकदम पक्की। अच्छी तरह देखा है ना? हाँ। वो बहुत ज्यादा बच्चकल तुम? नो। काली? नो। लंगड़ी? नो 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 नो। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, उसकी तरफ देखने से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। कलश चलके ज्योति कलश चलके वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के ज्योति कलश चलके घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन मंगल घट ढल के मंगल घट ढल के ज्योति कलश चल के Thank you.
कलंबर कुंकुम कलंबर काए फूल पखुड़िया पर मुस्काए बिंदु तू ही न जल के बिंदु तू ही न जल के ज्योति कलश चल के ज्योति कलश चल के ज्योति कलश चल के सपने कल के सच सपने कल के ज्योत कलश चल के ज्योति कलश चल के ज्योति कलश चल के ज्योति कलश चल के ज्योति कलश चल के गरम है इतनी बेसब्री क्यों करता है अरे क्या हुआ तुझे आराम से खाना वाह क्या खाए अच्छा इतना अच्छा खाना मैंने आज पहली बार खाया क्या तरकारी क्या अचार क्या दाल अच्छा है ना हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा खाना बहुत ही ऐसा खाना तो हम कभी घर में पकाते ही नहीं थे क्या हाँ हमारा खाना अच्छा नहीं था और तू नमक को चख के दे नमक का स्वाद भी तुझे बदला हुआ नजर आएगा क्या कहा चख दे नहीं रे ठीक से चख के दे ठीक से चख हाँ ना हाँ पानी पी के दे पानी तुझे शरबत जैसा लगेगा आपको मालूम नहीं है तो गंगा चाची ने उसे किस प्यार से कहा था शर्माना मत बहू बचने के लिए हाजिर हूँ जो चाहे मांग लेना पर इन सब बातों से तुझे क्या भैया अगर मैं इस पर चला गया तो भाभी को खाना कौन खिलाएगा उन्हें कौन परोसेगा मैं उनका खाना होते ही स्कूल चले जाऊंगा बस अच्छा बाबा जैसे तेरी मर्जी ठीक है जो चाहे मांग लेना
मैं परोसने के लिए हाजिर हूँ। परोसने वाले पीठ पर हाथ बांधे यूँ कुछ दूर नहीं खड़े रहते। अरे हाँ तो मैं भूल ही गया। दूसरी थाली लिया तो खा। तुम खिला। क्यों नहीं? जब से पिताजी के दिए हुए वचन को मैं बराबर निभाता हूं, अच्छी तरह परवरिश करना मेरी जिंदगी का अरमान है, इसीलिए मैं शादी भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब तुम आ गई हो, मेरा बोझ बहुत कुछ हल्का हो जाएगा। एक ही दिन में मुझसे ऐसे क्यों मिल गई जैसे बरसों से मुझे जानते हैं। बिन मां का बच्चा है, मर्द चाहे कितना ही प्यार करे, औरत के प्यार में गौरी बात होती है, उसमें एक तरह का जादू होता है। वो प्यार न मिलने से मुझाया हुआ ये पौधा तुम्हें देखकर फिर लहरा उठा है, जैसे वो मुद्दे से तुम्हारी इंतजार ही कर रहा हूं। आज एक दिन भर तुम्हारे आसपास घूमता रहा और मैं देख देखकर खुश होता रहा। भगवान ये खुशी हमेशा बनाए रखे। लीजिए कान बज गए, अब मैं दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा। भाभी के कहने पर मैंने चाय पर बुलाया था दोस्तों को। मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मगर भाभी आजकल नेटो बहुत जाती है। अरे तू चूचू बंद भी करेगा कि नहीं? लोग कहते हैं तो भाभी अपने देवर का बेटे की तरह ख्याल रखती है। अरे बड़े दादा तू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? अभी आ जाएगी, और ये भी तो हो सकता है कि नाश्ता तैयार कर रख गई हो, जाके देख तो सही। अभी देखता। तस्वीरें लगाई जाए, कितने दोस्त आ रहे हैं तुम्हारे? बस मन करो मुझसे, मैं तुमसे कट्टी हूँ। कट्टी ना करो मोहन, जानते हो मुझे क्यों देर होगी? मेरे मैके में कल हवन होने वाला है, बहुत से लोग आने वाले हैं खाने पर, इसलिए कामकाज में हाथ बटाने के लिए मैं वहाँ चली गई थी। और देखो नाश्ते का सामान लेकर यहाँ भी वक्त पर आ गई है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, खाना मैंने मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अच्छी बात है, जैसा गुस्सा करना तो सिर्फ आप ही को आता है, हम तो जैसा गुस्सा कर ही नहीं सकते। मैं भी अब किसी से नहीं बोलूंगी, मेरी भी आज से कट्टी। भाभी भाभी कट्टी कट्टी कट्टी, गुस्सा ना करो भाभी, चलो कट्टी तोड़ो, चलो कट्टी तोड़ो, चलो ना कट्टी तोड़ो, चलो। अरे अच्छा बाबा, बट्टी बट्टी बट्टी, मेरी भी बट्टी। हम आ गए। देखो तुम्हारे दोस्त आ गए, जाओ उन्हें बैठाओ, मैं तख्तियां लगाती हूँ।
राम भैया ने बहुत मनाया मालिक। फिर भी नहीं माने? जी नहीं। क्या बात है पिताजी? बेटी, ये ज्ञानु संदेश आया है कि दामाद साहब और उनके छोटे भाई नहीं आ रहे। जी हाँ, छोटे भाई जिद पकड़ कर बैठ गए। मैं उन्हें जाकर ले आती हूँ। इतनी धूप में तू कहाँ जाएगी? मैं ही चला जाता। नहीं पिताजी, मेरे जाए बिना मोहन नहीं आएगा, मुझे को जाना होगा। तो फिर चल, मैं ही तेरे साथ चलता। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, भोले मुझे अकेला छोड़कर गए क्यों? भाई उसे वहाँ काम था और मुझे यहाँ अकेला रहना पड़ा। तू पहले अकेला नहीं रह सकता था? वो बात और थी, अब मुझे भाभी बिना अच्छा नहीं लगता। भाभी भी ये कहे कि जब देखो तब मैं कहे, कि जब देखो तब मैं कहे, कि जब देखो। नमस्ते, आइए। कट्टी 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 कट्टी, अब कट्टी की कौन सी बात होगी जी? धीरे बोलो भाभी, धीरे बोलो, ये अपनी प्राइवेट बात है, मैं इनके सामने कहना नहीं चाहता। चलो भैया बाहर इंतजार कर रहे हैं। अजी संधि जी आया। जी आया। चलो मोहन, चलो जल्दी करो। बड़ा शरारती। क्या भाभी, जो एक बार वचन देकर पूरा ना करे उसे क्या कहते हैं? झूठा दगाबाज। छी 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 छी, क्यों अपने आपको गालियां दे रही हो? मैं समझी नहीं। कुछ दिनों पहले हमने तय किया था कि हम दोनों माँ बेटे के तैयार होंगे। तय किया था ये नहीं? हाँ किया तो था, लेकिन राजा बेटे गलती क्या हुई मुझसे? इन 15 दिनों में तुमने मुझे एक बार भी नहीं मारा। तो क्या कोई ऐसी माँ होगी इन 15 दिनों में एक बार भी ना मारे? अच्छा तो ये बात है। ठहर तू। अरे अरे क्या करती हो तुम? तो एकदम बड़ी माँ बन गई। इस लोहे की नली से न मारो माँ, मैं मारने के लिए तुम्हें एक लकड़ी ला दूंगा। अरे मोहन, मोहन बल्ला प्यार से बिल्कुल बिगड़ गया है। मैं कहता हूँ भाभी, दरअसल मैं भैया ही बिगड़ गए, वो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरी ऐसी हरकतों से तंग आ गए हो। मम्मा चाची ने सच कहा था। क्या? वो कह रही थी कि मोहन अब तेरे लाल प्यार के दिन लग गए। इसके बाद उन्होंने बताया कि अब मैं चाचा बनने वाला ही। शैतान कहीं का। जाने तुझे तो नहीं चाहते चाची, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। बिल्कुल फिक्र न करना। माँ, ओ माँ। आती हो? अरे आओ ना घर। बताओ आ गया, जाती हूँ। और सुन बहू, वैसे तो तुम्हारे घर बड़े बूढ़े हैं, पर एक दो बातें इस बुढ़ी की भी याद रखना। अक्सर पहली बार में लड़कियां दवा दारू और खान पान पर ध्यान नहीं देती। तुम इन बातों को टालना मत, सदा खुश रहना, सेहत संभालना, भगवान सब अच्छा करेंगे। जाओ मैं सुहागा चलो और सोने सा लाल घर लाओ। जाती हूँ। मोहन, मोहन ये क्या? कट्टी। कट्टी क्यों? तुम जा रही हो ना, इसलिए। इसमें कट्टी करने की क्या बात है भैया? मैं तुम्हें ये तो मैं नहीं देख सकती। मुझे जाना ही होगा भैया, ये रिवाज है, पहली बार मैं कहीं जाती हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम अगर मेरे साथ गए तो उनकी क्या हालत होगी?
रिया मोहन थोड़ी है जो भाभी के बिना ना रह सके। तो जैसे मोहन भाभी को देखे बिना नहीं रह सकता, वैसे उन्हें भी करते मोहन को देखे बिना चैन नहीं आएगा। दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद शाम को घर आकर जब वो मोहन कहकर पुकारेंगे तुम्हें कौन जवाब देगा? मैं दूंगा भाभी, अपने भैया के लिए मैं यहाँ रहूंगा। शाबाश, ऐसे मैं भी तो फिर परदेश में नहीं हूँ, जब जी चाहे चले आया करना। हाँ भाभी, ये भी ठीक है। अब बत्ती 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 बैठ। अभी मुझे सब कुछ पता चल गया। भगवान की मर्जी। भगवान छह लोगों के साथ ऐसे क्यों करते हैं? बुरा मत मानो, मेरा इतना बड़ा बेटा होते हुए तुम बुरा क्यों मानिए? तुम रो मत, तुम रो मत। माँ पर लिखे सब निबंधों में मुझे मोहन सदा सुखी का निबंध बहुत अच्छा लगा। मैं इसे बोर्ड पर लगा रहा हूँ ताकि तुम्हें से हरेक इसे पढ़ सके। इस निबंध में मोहन एक जगह पर गजब की बात लिख गया है, वो हिस्सा मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। जिसकी माँ होती है वो अपना प्यार उस एक इंसान में सीमित कर लेता, पर जिसकी माँ नहीं होती वो माँ के प्यार के लिए सारी दुनिया की ओर प्यासी नजरों से देखता है। लेकिन मास्टर साहब, जो कुछ मोहन ने लिखा है अपने अनुभव से लिखा है। जनार्दन, अनुभव हर आदमी करता है पर उसे लफ्जों में बांध नहीं पाता। मोहन ने उस अनुभव को बड़ी खूबी के साथ बयान किया है। मोहन, मैंने इसके लिए तुम्हें नंबर तो दिए ही है पर अपनी ओर से मैं तुम्हें एक रुपया इनाम देता हूँ। लेकिन मास्टर साहब, आपने जो कुछ अभी अभी कहा है वही मेरे लिए बहुत है, रुपए की कोई जरूरत नहीं। रख लो इसे मोहन, रख लो, मैं तुम्हें इसे बाखुशी दे रहा हूँ। ये क्या शरारत है? देखा, मेरी चूड़ियां मार दी। इसमें शरारत की क्या बात है? मैं तो तुम्हें रुपया दिखाना चाहता था। जैसे मैंने रुपया देखा ही ना हो। भाभी, ये रुपया मुझे मास्टर साहब ने इनाम दिया है। माँ पर लिखा मेरा निमन आज सबसे अच्छा रहा। वाह, शाबाश, हमारा मोहन है ही बहुत शेर। कुछ भी पढ़ रही थी चूड़ियाँ मोल जाने से तुम्हें बुरा लगा? बुरा लगने की बात नहीं है, चूड़ियाँ मोलना बुरा समझा जाता है मुझे। बुरा मत मानो भाभी, मैं तुम्हें इस रुपए की नई चूड़ियाँ ला देता हूँ। अरे लेकिन सुन तो, ठीक होती ये तो बहुत खूबसूरत है। Thank you.
मेरी पहली तनख्वाह थी छोटी सी बेटी। इसकी क्या जरूरत थी? वाह, जरूरत नहीं थी, इसने मेरी सैकड़ों शरारते हंस खेल कर बर्दाश्त की, जो मेरी गलतियों को सदा माफ करती रही। माँ की तरह जिसने मुझे प्यार दिलार क्या चले उसको आकर बड़ा किया। बस 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 बस, मेरी जरा सी बात पर कितना बड़ा लेक्चर दे डाला। अब देखते हैं तुम तो पैसे। अच्छा, क्यों रे मोहन, भाभी ने जो पाल पोस के बड़ा किया मैंने? आप ही की वजह से ऐसी माँ मुझे मिल पाई। आपके और भाभी के ऐसा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाबा, प्रोफेसर बनते ही लगते झाड़ना भी शुरू कर दिया। पर मोहन, तुझे याद है जब तू छोटा था कैसी कैसी शरारतें किया करता था? कई बार तो मुझे ऐसा गुस्सा आता था, ऐसा गुस्सा आता था जिसे थप्पड़ मार दू पर हाथ नहीं उठता। तो अब भी कौन सी देर होगी अभी? अगर आप चाहें तो ये प्रोफेसर मार खाने के लिए तैयार। लेकिन प्रोफेसर साहब, एहसान जताने का तरीका ये नहीं कि तनख्वाह लाके कदमों में डाल दी। असली तरीका है ये। पर भैया, आपने अधूरी बात कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप और भाभी दोनों यहाँ आकर बैठे। चले, पढ़ा हमें सिखाने वाला। आप आइए तो, बैठो ना भाभी, आइए ना भाई। अच्छा, ये लो। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव। गीत गाती दीप होम पेट बाती, लौल गाती गीत गाती। अरे, तुम इतना अच्छा गा लेती हो, कब सीखा? सीखा इतना कहा, बस यूं बचपन से। बचपन से गाना जानते हो? मुझे आज तक नहीं सुना। कितने अफसोस की बात। आपको फुर्सत ही कहां मिली मेरा गाना सुनने की। ये तो ठीक ही कहा तुमने। मैं आज तक मोहन की जिम्मेदारियां पूरी करने में इतना मसरूफ रहा कि और किसी बात की तरफ ध्यान ही नहीं गया। गाना वाना तो क्या, कभी घड़ी दो घड़ी सुख दुख की बात ही नहीं की तुम्हारे साथ।
तुम्हारे कोई अरमान पूरे नहीं किए मैंने, कोई सुख नहीं दिया। ये क्या कहने लगे आप? मेरा सुख तो इसी में है कि आप खुश रहे। मेरी कोई बात नहीं भला, देख लो मोहन की शादी हो जाए, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सच मोहन की शादी की बात करते ही कितना खुश हो गया। इतना खुश तो मैंने आपको अपनी शादी में भी नहीं देखा। जानती हो क्यों? ये खुशी उन खुशियों की एक झलक है जो आगे चलकर हमारे कदम चूमने वाली है। जानती भी था रंगे हाथों जो पकड़े गए हो। कहाँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो तस्वीरें दे दो। कौन सी तस्वीर? कौन सी? ये तो पकड़ा गया ना चोर। सुनिए मैंने कहा सुनते हैं। अरे भाभी सुनो तो। मैंने भैया को ना बुलाओ, ये अपनी प्राइवेट बात है। पहले फोटो देखो। अरे देखो ना, सच कहना भाभी कैसी लगी तुम्हें? लड़की क्या लड़की पसंद की है आपने? इतनी बहुत सी लड़कियों को इनकार कर दे रहे हैं और आखिर चुनी तो ये। क्यों, क्या खामी नजर आई तुम्हें इस लड़की में? एक आध खामी हो तो बताई दी जाए। नाक नक्शा बस ठीक ठाक है, चाल ढाल और बर्ताव ये तो तस्वीर से बताया नहीं जा सकता। हाँ एक बात इस लड़की की तारीफ में जरूर कही जा सकती है। वो क्या? इसकी आंखें बड़ी प्यारी। हाँ मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, बल्कि इन आंखों की वजह से ही मैंने इस लड़की को पसंद किया। अच्छा हा? और दूसरी काबिले तारीफ बात ये। वो क्या हो सकती है? कि फोटोग्राफर ने फोटो खूब बढ़िया खींची है। क्या बात है, बड़े पैके लग रहा है। क्या हुआ? देव जी अपने लिए लड़की पसंद कराए हैं। अच्छा? देखिए तो। अरे मेरे देखने की क्या जरूरत है, ये देखा है तो लड़की जरूर फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है, ठीक है, बहुत अच्छी भैया। अगर आप एक बार देख लेते तो बड़ा अच्छा होता। अरे भाई मैं तो तेरी पसंद का मुद्दत से कायल हूँ। याद है जब तू छोटा सा था तो मेरे लिए भी दुल्हन तू ही चुनने गया था कि नहीं? मैंने आज तक कभी क्यों चुना की है? बोल। बस तो देवर जी जो लड़की आपको पसंद है वही हमको भी पसंद। बिल्कुल ठीक तो भैया। अगर मगर और कुछ नहीं, गीता ने कह दिया है लड़की जो तुम्हें पसंद है हमें पसंद है, बात तय हो गई, लड़की वही हमारे घर में आएगी। चलो अपना। लेकिन अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, अच्छी तरह देखभाल लिया ना। क्या जरूरत है भाभी देखने की? मुझे यकीन है जो भी लड़की तुम्हारे आंचल की साय में आएगी वो इंसान से देवता बन जाएगी। तू यहाँ है और चांद तू वहाँ, कितना बस बता दे मुझे मन मेरा कहाँ, मन मेरा कहाँ। चांद तू यहाँ है और चांद तू वहाँ, हाथ से निकल गया है मेरा भोला मन, हाथ में समा गया है तुझका भोला पन। हाथ से निकल गया है मेरा भोला मन, हाथ में समा गया है तुझका भोला पन। नींद नहीं आती मुझे रात है जवान, रात है जवान। चांद तू यहाँ है और चांद तू वहाँ,
देखली बड़ी है बड़ी कल के हाथ भी चांद मुझसे दूर चांद दिल के पास भी देखली बड़ी है बड़ी कल के हाथ भी चांद मुझसे दूर चांद दिल के पास भी जाऊंगी खुशी से वहां दिल गया जहां दिल गया जहां चांद तू यहां है और चांद तू वहां बादलों के पानी में चांदनी चली चांदनी चली चांद तू कहां मैं तेरी चांदनी यहां चांदनी यहां चांद तू यहां है और चांद तू वहां कितना बस बता दे मुझे मन मेरा कहां मन मेरा बेटी ने अपने लिए वर खोज लिया है वर खोजना सत्य को खोजने जैसा मुश्किल नहीं है मैं बहुत खुश हूँ पर वो प्रोफेसर है तो क्या हुआ प्रोफेसर वर नहीं होता क्या ओहो समझते बूझते तो कुछ नहीं मैं चाहती थी कि प्रभा की शादी ऐसे लड़के के साथ होती जिसका कोई न हो ताकि वो यहाँ आके रहे नरचेते कछु होत ना प्रभु चेते तत्काल उस प्रोफेसर की भाभी है उसका स्वभाव बहुत कड़क है प्रोफेसर उसी के कहने में है ओ तो सारी जांच पड़ताल के बाद मामला मेरे पास पहुंचा है देखो प्रभा के बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्यों वो इसलिए कि प्रभा तुम्हारी बेटी है ना जैसे शादी के बाद तुमने मुझे मेरे भाई से अलग करवाया घर बार छुड़वाया प्रभा भी वहां जाकर रहती है हां हां तो कैसे जाओ मुझ पे ताने पे ताने लेकिन उन दिनों जब तुम बीमार रहे आया था कोई तुम्हारा भाई भतीजा खबर पूछने छोड़ो जी इन बातों को शादी की बातचीत में पुराने मामले नहीं लाने चाहिए क्यों न लाए तुम भी मुझे झगड़ालू कहते हो तो सारा शहर क्यों न कहेगा मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देवी जी मेरी बात तो मां ये पैसे ठीक रहेंगे इससे तो कोई डॉक्टर इंजीनियर या सरकारी अफसर मिलता तो कितना अच्छा होता यहाँ मिला कौन तो प्रोफेसर भाग फूट गया हमारा मेरा फिक्र नहीं करो मां मन चाह दामाद किसे मिल पाया है क्या बात कही है बेटी वाह खैर इसे भी सुधारा जा सकता है देख शादी के बाद तू उसे यहाँ ले आना तू वहाँ रही तो भौजाई तुझे सुख से नहीं देने देगी सुख मिलता नहीं माँ सुख हासिल करना पड़ता है वाह 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 धन्य हो बेटी धन्य हो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही लिखा है बस करो अपनी गीता 25 साल से उसे पढ़ रहे हो बताओ क्या फायदा हुआ इससे और ज्यादा फायदा क्या होगा कि तुम जैसी पत्नी के होते हुए भी अब तक जिंदा हूँ मेरा मतलब है कि प्रभा शादी के बाद ससुराल चली जाएगी लेकिन तो वो जाएगी क्यों ये भी ठीक है तुम्हारे होते हुए क्यों जाएगी फर्ज करो अगर चली भी जाए तो उसके बाद गीता के सिवाय मेरा और कौन है तो गीता में कहा है कि क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और तो सब करीब करीब तय हो चुका है बाकी रहा सवाल दहेज का दहेज क्या तय हुआ पंडित जी दहेज का सवाल हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता मेरी कही हुई सारी बातें याद है ना एक एक लफ्ज तो कहिए ना अच्छा कह दो हम 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 5,000 देने के लिए तैयार हैं हाँ, अच्छी बात दहेज में 5,000 नकद ठहरिए कहती जी ने वो सारी बातें खामोश क्यों बैठे हैं डरते क्यों हो बता डरता कौन है मैं तो पिछली गेट वार में भी नहीं डरा अब कैसे डरूंगा हाँ जी हमारी इनका ये कहना है कि तुम ही कह दो हमारी इनका ये कहना है इनका कहना है
के बजाय 5,000 नग देने के हम अपनी लड़की के लिए गहने बनवा देंगे। अगर लड़की को गहने हमारी तरफ से दिए जा रहे हो तो? देखिए, ऐसे मामले में दो राय होना ठीक नहीं। प्रभा हमारी इकलौती बेटी, उसके पास कुछ खास किस्म के गहने होने चाहिए। और फर्ज कीजिए हमने 5,000 रुपए नग दे दिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारे रुपए उसके गहनों पे खर्च हुए हैं? लेकिन हम तो पहले ही कह चुके हैं कि दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं। ये बुरा मानने की बात नहीं है, आखिर भाई भाई का मामला है, हो सकता है कि दहेज की रकम घर में ही सर्फ हो जाए। तो आप ये कहना चाहती हैं कि वो रकम कहीं हम लोग ना हड़प लें? हमारा मतलब ये है कि हम अपनी लड़की के लिए उतनी रकम के जेवर बनवा देंगे। क्यों जी, ठीक है ना? हाँ जी, नहीं जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर ये ना हो तो यही हो। पंडित जी यही पक्का कर लीजिए। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हम पर शक करें। हमें ना आपका दहेज चाहिए ना गहने। तो आप बुरा मान ली, सुनिए नाराज ना होइए हमारी श्रीमती जी। जी अच्छा जी, श्याम बाबू आप उन्हें समझाइए, ये जिंदगी भर की रिश्तेदारी है, ऐसे मामलों में किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है। आप उनकी चिंता छोड़िए, जो जबान हम दे चुके हैं हम उसे वापस नहीं लेंगे, हमारी कोई शक नहीं। नहीं नहीं भाभी, मैं आप लोगों का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मोहन बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब इनकार करने से बदनामी होगी। मैं ऐसी बदनामी की परवाह नहीं करता भाभी, हम ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे भैया उन्हें जबान दे चुके हैं। हम तो शुरू में ही दहेज लेने से इनकार कर चुके थे, और उन्होंने अपनी रईसी का रौब जमाने के लिए सब किया। मोहन तो बस ठीक है, अगर ये लोग गहने देना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। मैं तो बस यही कहता था कि अगर बहू को घर गृहस्थी की कोई चीज दे देते तो ज्यादा अच्छा था, डबल गहने ना होते। डबल गहने? हाँ मोहन, मान जी के गहने तेरी अमानत के तौर पर मैंने संभाल के रख छोड़े, दिखाता हूँ। तो कितने बढ़िया है, और ये मोहन ये रही तेरी शादी की पोशाक, ये हमारे पिताजी की विरासत है, जब इसे पहनकर तो बारात चढ़ेगा तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत सफल हो जाएगी। भैया आप तो इसकी शादी के सपने देख रहे हैं और ये सगाई तोड़ने जा रहा था। पागल है, ऐसे कभी सगाइयां टूटती? पर भैया वो लोग बड़े जिद्दी और अड़ियल हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें बहू से वास्ता है, बहू अच्छी हुई कि झगड़ा मिटा। और वो भी इनकी तरह झगड़ा ले निकली तो क्या, घर में झगड़ा करवाएगी, फूट डलवाएगी, अलग रहने की साजिश करेगी, यही ना? मोहन लोग कहते हैं कि औरतें घर में लड़ाई झगड़ा करवाती हैं, मगर ये सच नहीं है। जानते हो औरतों को झगड़ा कराने का मौका कब मिलता है? जब उनके घर के मर्द कमजोर हो। तुम तो मर्दों में से नहीं हो ना? भाभी तुम ये कैसे सोचती हो कि मैं घर में झगड़ा होने दूंगा? मोहन ठीक कहता है, हम एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते हैं, हमारा आपस में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। मोहन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तेरी झील जैसी आंखों और कमल जैसी पुतलियों में मुझे तेरे मासूम और भोले भाले दिल की झलक मिलती है, अगर कभी उसमें हलचल पैदा हुई तो मुझे तेरी आंखों से पता चल जाए। सुनो गीता, ये गहने मैंने मोहन की पत्नी को दे दिए, तुम चाहोगी तो तुम्हारे लिए नए बनवा दूंगा, ठीक है ना? ऐसा क्यों कहते हैं आप? मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया है कि औरत का सबसे बड़ा गहना एक ही होता है, और वो है उसका पति। वाह आज मैं कितना सुखी। बैठो मोहन, बैठो, आओ तुम भी आओ। जिस आदमी का ऐसा भाई हो और ऐसी धर्मपत्नी, उस जैसा भाग्यशाली संसार में और कौन हो सकता है? कहाँ उड़ चले हैं
चले हैं मन प्राण मेरे, किसे खोजते हैं मधुर गान मेरे, ओ कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। बहारे निछावर हुई फूल बन पर, तमन्ना के कलियां खिली फूल बन पर, बहारे निछावर हुई फूल बन पर, तमन्ना के कलियां खिली फूल बन पर, खिले फूल पांखों में मेरे, ओ कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। मधुर गंध किसका संदेशा है लाई, हृदय की हुई है हृदय से सगाई, मधुर गंध किसका संदेशा है लाई, हृदय की हुई है हृदय से सगाई, चले आ रहे हैं मेहमान मेरे, कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। हवाओं से कह दो जरा धीरे बोले, कहो बुलबुलों से जरा धीरे बोले, हवाओं से कह दो जरा धीरे बोले, कहो बुलबुलों से जरा धीरे बोले, वो मुस्कान मेरी ओ वरदान मेरी, ओ कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, किसे खोजते हैं मधुर गान मेरे, ओ कहाँ उड़ चले हैं। मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहो। यहाँ कोई नौकरानी नहीं है? नहीं। तो क्या यहाँ झाड़ू बुहारी भी हमी को करनी होगी? हमारी यहाँ तो चाय भी नौकरानी बनाती है। तुम्हें अगर काम करने की आदत नहीं है तो रहने दो, सब काम मैं ही करती आई हूँ, अब भी कर लूंगी। अरे कहाँ गए सब लोग? यहाँ कोई भी नहीं। भाभी प्रभा, तरीका चाय बनाने का? मुझे चाय बनाना नहीं आता। अरे तुम्हें नहीं आता है तो मुझे आता है, मैं तुम्हें सिखला देता हूँ। आओ बैठो। अरे बैठो ना। जाकर
बड़ी जायकेदार बननी है चाय। हालांकि पानी वही है, पत्ती वही है, चीनी वही है, लेकिन बनाने वाला बदलते चाय का जायका भी बदल गया। भाभी ऐसी चाय आसानी से नसीब नहीं होती, उसके लिए खौलता पानी स्टोव पर गिरना चाहिए, स्टोव बुझना चाहिए, फिर से चाय का सिलसिला शुरू होना चाहिए, तब कहीं जाकर के ऐसी चाय नसीब होती है। अच्छा तो ये बात है, क्यों मन ठीक कर रहा है? क्यों शर्मा के बता दी, क्यों बता रहा बोलती कौन लेडी मानचंदा, ये मैं क्या देख रही हूँ, कब आई तुम? बैठो बैठो, तुम तो प्रभा की शादी के बाद ऐसी गायब हो गई कि आज नजर आ रही हो, बैठो ना। कैसे नजर आती? सर मानचंदा के साथ यूरोप चली गई थी। अच्छा कहो तुम लोग सब अच्छे तो हो ना? प्रभा बेटी का क्या हाल है? शादी के बाद तो बहुत खुश होगी। क्या बताऊं बहन, प्रभा ने तो खुद अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, पता नहीं उसका वहाँ क्या हाल होगा। झाड़ू बुहारी, खाना पीना, बर्तन चौका सब उसी को करना पड़ता होगा। सूखकर कांटा हो गई होगी मेरी लाडली। माय गॉड, यहाँ तुम फूल की तरह संभाला करती थी, मेरा ख्याल है तुमने उसे कभी इधर का लोटा उधर न करने दिया था। हमारा सुनती तो हम भला उसे गड्ढे में गिरने देते? उस जेठानी की गुलामी करनी पड़ती होगी तब माँ याद आती होगी। पर तुम्हारा दामाद कैसा है? वो अपनी भौजाई को कुछ नहीं कहता? अरे वही तो नसीब फूटे हैं, वो तो भौजाई के इशारों पर नाचता है। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। जब तक मेरी प्रभा उस घर में रहेगी उसे सुख नसीब न होगा। अपनी दौर अपने दामाद तक हो सकती है, उसे क्यों नहीं पराती? उसे मिलो, उसे अपनी मुट्ठी में लो और मीठे बोल से उसे अलग रहने की सलाह दो बस। हाँ यही ठीक होगा, मैं अभी कॉलेज में जाकर उसे मिलती हूँ और चाय पे न्योता देकर आती हूँ। आदमी होशियार होगा तो हमारी बात मानकर फौरन घर अलग कर लेगा। महादेवा, ओ महादेवा, चाय भाई की जरूरत नहीं बहना। नहीं नहीं, मैं तो अपना छाता मंगवा रही थी। महादेवा, अरे ओ महादेवा, मेरा छाता लाना। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को। अजी सुनते हो, मैं बाहर जा रही हूँ। जाओ लेडी मनचंदा, आपने चाय पी? जी चाय की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, मगर इस बहाने मुझे भी मिल जाती। हाँ, नौकरानी हो गई। अफो, पत्नी का फर्ज भी क्या मुझे ही बताना होगा? मैं अपना फर्ज अच्छी तरह समझती होती तो ये मौका कभी ना रोटी उम्र है। बड़ी होकर सब समझ। तुम्हें ऐसी आदत डाली हो? तुम्हें शिकायत कब कर रही हूँ? लेकिन इस उम्र में सभी ऐसा किया करते हैं, इसी में तो मजा है। मतलब ये कि आजकल चैन की बंसी बज रही है। क्या आप ठीक ही कह रहे हैं? तकदीर वाले हो भाई, वरना मेरी हालत देखो, सास बहू की ऐसी चक्कर चलती है कि घर जाने को जी नहीं करता। चौधरी साहब, जीवन सागर में ऐसे तूफान आते ही रहते हैं, उनसे डरने की बजाय हमें हंसते खेलते उनका मुकाबला करना चाहिए। सच्ची बात है, एक तो ये किलर की दिन भर अफसरों की गालियां और ताने, घर का ये हाल है, नीचे गर्दन की वे किसी तरह काट रहे हैं ये जिंदगी। इसी में बहादुरी है चौधरी साहब, शेर की दांत, चीते के विरन की छलान, इन सब की तो लोग तारीफ किया ही करते हैं, लेकिन अपना बदन चुराकर बैठने वाला खरगोश भी तो अपने ढंग से चैन की जिंदगी गुजारता है। हम क्लर्क लोग इस खरगोश की तरह हैं। हम खरगोश क्यों बने ये तो कोई भगवान ही से पूछे। हमसे पूछना हो तो ये पूछे कि हम अपने जीवन के साथ ईमानदार रहे या नहीं। बस इसी में सुख है, चैन है, आनंद है। जो आदमी ये सोचता है उसका घरेलू जीवन स्वधाम बन जाता है। उनका स्वागत करना, उनको यहाँ बिठाना और तुम किसी बहाने ऊपर चले जाना। अच्छा मगर सुनो, तुमने क्या कहा? हाय राम, तुमने क्या सुना? हमारे दामाद साहब आ गए, उनको यहाँ बिठाना, उनका स्वागत करना और तुम किसी बहाने ऊपर चले जाना। अच्छा सुनो, अगर मैं पहले ऊपर चला जाऊँ फिर बहाना लगाऊँ तो चलेगा? हाय राम, पहले बहाना बनाना, जाओ जल्दी जाओ। नमस्ते। हाँ
नमस्ते बेटा, मुझे तो अभी पता चला है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अच्छा? हाँ, इस घर का मामला जरा बड़ा वचित्र है, सारी जिंदगी हाँ में हाँ मिलाते कट गई है। खैर कोई बात नहीं, मगर बेटा तुम कभी कभार तो आया करो, पर सच पूछो ना प्रभा से ज्यादा, मुझे तुम की बात नहीं है बेटा, ये बड़ी टेक्निकल बात है। मेरी बेटी प्रभा बिल्कुल सीधी साधी है मेरे जैसी, मगर अपनी माँ के साए में पली है, इसलिए जरा वो कुछ लोग और उसकी माँ ने कमाल उसको शिक्षा दी है। अजी भी बैठने के लिए भी कहेंगे या अपनी यहाँ के जाएंगे? बैठिए ना, बैठिए। अच्छा तो मुझे इजाजत दो बेटा, तुम तो जानते हो कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हाँ। अगर मैं कहीं ज्यादा बोला तो मामला बिगड़ जाएगा। हमारी प्रभा कैसी है? अच्छी, अब तो घर बार संभाल लेगा उसने, बहुत काम करती होगी बेचारी। काम करना तो चाहिए पर भाभी उसे कुछ करने नहीं देती। सब कहते हैं हमें बड़ा होशियार और लाखों में एक दामाद मिला है। ऐसे मामले में लोग अक्सर गलतफहमी कर लेते, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। मैंने कहा ये घर आपके कॉलेज के रास्ते पर है, शाम को घर जाते वक्त यही आकर चाय पिया करें तो कोई हर्ज है? हर्ज कुछ नहीं, लेकिन कॉलेज के आसपास कुछ अच्छे होटल है और मुझे वहाँ की चाय भी अच्छी लगती है। आपका मकान बड़ा पुराना है, आप अपने हिस्से का मकान नया बनवाना चाहें तो हम पैसा लगा सकते हैं, हमारा भी आपके किराया कौन है। इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी है कि मेरे नए बनने वाले महल को मैं अपने भैया और भाभी की झोपड़ी के किसी एक कोने में रखना चाहता हूँ। इस मामले में मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो मेरी इस राय से इत्तफाक करते हैं। बुरा न माने तो एक बात कहूँ, इतना दिल खोल कर बातें हो रही है, बुरा मानने का सवाल ही नहीं उठता। आप और प्रभा अपने भैया की आय की मुसीबतें क्यों उठाते, यहाँ चले आइए, यहाँ रहिए, ये आलीशान मकान आप ही का है, आप लोग आ जाएंगे तो हमें भी आधार हो जाएगा। मैं अपना आधार छोड़कर दूसरों का आधार नहीं बनना चाहता है? मेरे लिए मेरे भैया का घर स्वर्ग है, मुझे अफसोस है मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। अरे सुनिए चाय के पीछे गई है, मैंने ऐसी कौन सी बात की? अरे सुनिए तो पवित्र, अरे सुनते हो सब चौपट हो गया, सारा दूर हो गया, अब मेरे बेटे को सुख नहीं लगेगा। मैं तो पहले कह रही थी कि किसी गरीब लड़के को देख लेते तो आज ये दिन में देखना पड़ता, बेटा मुझसे कैसे बुरा रहा था, मेरी तोहीन कर रहा था। अरे इससे तोहीन की कौन सी बात है, मेरे दामाद ने ऐसा शानदार काम किया कि मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता, और मुझे ये दामाद बहुत पसंद है। क्या कहा? ये दामाद तुम्हें पसंद है? क्या कहने तुम्हारे दामाद की? भाभी प्रभा की साड़ी क्यों धोती? तो इसमें बिगड़ता क्या है रे? अपने कपड़ों के साथ उसके भी धो लेते। तुम्हारे ऐसे लाड़ प्यार से बिगड़ जाएगी, काम करने का नाम तक नहीं लेगी, बाद में मुझसे शिकायत न करना। मैं कभी शिकायत लेकर तेरे पास आई थी क्या? ठीक है, पर मुझसे ये देखा नहीं जाता, बुरा लगता है मुझे, और कपड़े धोना उसके जिम्मे होगा, चाहे उसे भाए या न भाए। सख्ती न किया कर, अभी उसकी उम्र क्या है, कुछ दिनों बाद बिना किसी की मदद के सब कामकाज खुद कर लिया करेगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पराई बेटी को अपने घर बहू बना कर लाए। भाभी आजकल तुम हर वक्त उसकी तरफदारी किया करती हो? उसकी एक वजह है। वो क्या? थोड़े दिनों बाद खुद पता चल जाएगा। मोहन वही पुरानी आदत है, ठीक तो कर लिया करो, अब जाओ। हेलो प्रभा जानी। अरे आंटी, मैंने तो पहचाना भी नहीं तुझे। माय डियर ये क्या हो गई तेरी? चंगी तो हो आंटी, तुमने मुझे लंबे अरसे के बाद देखा है इसलिए ऐसा कह रही हो। नो नो नो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, सेहत संभालो बेटे सेहत। क्या खरीदने आई थी? यही रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। साबुन कपड़े क्या तुम लोगों के घर पर ही धुलते हैं?
What a pity. और ये क्या है? Knitting wool. इसका क्या बन रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है माय चाइल्ड, तुम बहुत कमजोर हो. अकेली आई हो क्या? चलो तुम्हें घर तक छोड़ दूं. मेरे साथ ये है आंटी. ओहो, तो ये है मिस्टर सदाशिव जी. शादी के बाद पहली बार मिल रही हो भाई. प्रभा बड़ी कमजोर हो गई है हमारी. बात ये है, इन्हें घर में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. नहीं आंटी, इससे आराम की सख्त जरूरत है. वो हम गरीबों को यहाँ कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं आंटी, न हो तो भाई कुछ पेटन टॉनिक ही दीजिए. मैं तो बाबा सदा टॉनिक खाती हूँ. अरे बाबा, दो बोतल टॉनिक एक्स्ट्रा स्ट्रांग बांधना. हाँ, अल्ट्रा स्ट्रांग. ये टॉनिक का सरासर अपमान है. चलो. कुछ जोक किया क्या? वंडरफुल. क्या बताओ बहना, इतनी अच्छी लड़की पर चार दिन में सुकर कांटा हो गई. मैं भी क्या कर सकती हूँ. प्रभा की जिद ने उसे बर्बाद किया है. वरना क्या और उसके घर वाले क्या आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं? लड़की खुलती जा रही है और उन्हें होश नहीं. ये सब उस भाई के करतूत है. मैं प्रभा को यहाँ ले आऊंगी, तब उनकी अकल ठिकाने आएगी. वरना वो लोग. डॉक्टर ने बुलाया था इसलिए जा रहा हूँ. कहो तो ना जाओ. मेरी मानचंदा क्या कह रही है सुना आपने? क्या कह रही है? इन्हें प्रभा मिली थी, वो आजकल बड़ी दुबली नजर आती है. मैं उसे यहाँ लाना चाहती हूँ. और एक बार आई तो फिर मैं उसे जल्दी नहीं भेजूंगी. क्यों, ठीक है ना? इस मामले में मेरे जैसा आदमी क्या कह सकता है? जो आपके मन में आए कर लीजिए. तो फिर मैं कल ही लेडी मानचंदा के साथ जाकर उसे ले आती हूँ. धन्यवाद. प्रभा को ले जाने के लिए भाभी से इजाजत मांगनी होगी. मेरा ठेंगा लेगा उससे इजाजत. मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है. मैं तो अपने दामाद से पूछकर उसे ले जाऊंगी. बाप रे बाप, ये रहने का कमरा है या किताबों की दुकान? तू समझती क्या हो हमारे दामाद को? उनके जैसा पढ़ा लिखा आदमी मुल्क में शायद ही कोई हो. ठीक है कि हो. वैसे एक दो प्रोफेसर हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, लेकिन वो किताबें तो क्या अखबार भी मांगकर पढ़ते हैं. बाय गॉड, सिर्फ किताबें होने से ही काम नहीं चलता. उन्हें हमारे दामाद की तरह पढ़ने पढ़ाने चाहिए. पर तुम्हारे दामाद हैं बड़े हसूर. क्यों, क्या हुआ? अरे मुझसे कहते थे कि प्रभा को घर पर बहुत काम करना पड़ता है और यहाँ देखती हूँ तो नौकर काम कर रहा है. नौकर कहाँ है वो? वो लेडी मानचंदा. यस डार्लिंग. हमारे दामाद को नौकर कहती हूँ? नो डार्लिंग, वो हमारे दामाद थे. रियली? सॉरी डार्लिंग, मेरा ख्याल है आजकल ऐसा काम करने का यहाँ भी एक फैशन बनता जा रहा है यूरोप की तरह. चलो दामाद से मिलो. मैंने कहा मोहन बाबू, आज आप बड़े हॉलिडे मूड में दिख रहे हैं. यहाँ तो रोजाना का मूड है जी. इनको ऐसे काम करने का बड़ा शौक है. शौक क्या है जी, मजबूरन करना पड़ता है. अच्छा, यूरोप में मैंने मर्दों को अक्सर ऐसा काम करते देखा है. वहाँ औरतों को बहुत से दूसरे काम होते हैं. इनका ताना मैं समझ गई हूँ बहन. ये चाहते हैं कि इनके यहाँ औरतें ही सारे काम करें. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. मैं आपका मतलब नहीं समझी. इनका मतलब ये है कि इनके यहाँ की औरतें जानवरों की तरह काम करती रहे. काम करने से इंसान जानवर नहीं बन जाते. पर हाँ, मैंने देखा है कई इंसान ऐसे हैं जिनसे जानवर ज्यादा समझदार होते हैं. खैर, मैं आज खास तौर पे इसलिए आई थी कि प्रभा को कुछ दिनों के लिए घर ले जाऊं. दो महीने बाद वो यूवी डिलीवरी के लिए आने वाली है, पर अभी आ जाए तो कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी. हाँ और क्या, आप भाभी से पूछकर उसे ले जा सकती है. हैं? हमने लड़की आपसे ब्याई है. पर हमारे यहाँ हर काम बड़ों के हुक्म से होता है. हाँ हाँ, आप अपनी भाभी की बातों में आकर मेरी लड़की को तकलीफ दे रहे. मैंने उसे कभी कहा था
कि कोई गरीब लड़का हमारा दामाद होता तो अच्छा होता, हमारी कदर तो होती। ये तुम क्या कह रही हो? कहने सुनने के बारे में तुम मुझे मत सिखाओ। सारा शहर मेरी तारीफ कर रहा है और यहाँ देखो तो तारों की बौछार हो रही है। ये बाबा कैसा वाला दामाद तुमने हमारे नसीब में लिखा है। खैर कोई बात नहीं, मेरी लड़की में हिम्मत होगी तो इनकी आकर सिधारी लाएगी। चलो लेकिन मैं जाऊँ अपनी माँ के यहाँ? हमारे देश में हर आदमी आजाद है, जो मर्जी में आए वो करो। तो वापस आना भी क्या मेरी मर्जी पर रहेगा? आज बड़ा कंठ फूट आया है कोयल को। कंठ क्यों न फूटे, हम भी इंसान हैं। माँ के मना करने के बावजूद भी मैंने आपसे शादी की। मेरी कुछ तमन्नाएं थी, कुछ सपने थे। आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें रखकर मैंने इस घर में कदम रखा था। लेकिन मैं पूछती हूँ, अगर आप दूसरे के इशारों पर नाचने के इतने कायल थे तो आपने मुझसे शादी क्यों की? जब देखो भाभी भाभी भाभी, खबरदार जो मेरी भाभी शांति के खिलाफ एक लफ्ज़ दिखा दो, वो मेरे लिए माँ से ज्यादा है, मैं उन्हें अपना भगवान मानता हूँ। मानते रहिए जो जी में आए और नाचते रहिए अपनी भाभी को सर पे लेके, मुझे उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी माँ की बेइज्जती करने का आपको क्या हक था? वो हम भाइयों में फूट डालना चाहती थी, मुझे अलग करने की साजिश कर रही थी। मैं उनकी चाल शुरू से समझ गया था, ऐसे लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा सकता। इसमें माँ कोई नहीं, मुझे भी बुरा लगा, मैं इसे अपनी बेइज्जती समझती हूँ। आपकी भाभी पूजा देखकर मुझे ऐसा लगा। क्या लगा? कि हमें अपनी गृहस्थ से अलग बसानी चाहिए। प्रभा अब एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, यही ना? ठीक है मैं जा रही हूँ। प्रभा 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 मोहन, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। देखो ये घर की बात है, घर के बाहर ना जाने पाए। तुम लोग अगर अलग रहना चाहते हो तो खुशी से रह सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। अलग रहे? ये तुम कह रही हो बात? तुम? हाँ, लड़ झगड़ कर अलग होने से हंसी खुशी अलग होना कहीं अच्छा है। भाभी अगर तुम भी यही चाहती हो तो ठीक है, मैं अलग हो जाऊंगा। उस दिन भैया ने कहा था यहाँ जो कुछ भी है सब मोहन का है। हाँ तुम्हें जो कुछ चाहिए ले लो, पर अपनी पत्नी को खुश रखो। पत्नी को खुश रखो वो मेरा सवाल है, मैं निपट लूं। भाभी मुझे ये मकान चाहिए, बर्तन ठीक है चाहिए, देवराज चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। गंगा सी पवित्र और मां सी ममता माई मेरी भाभी मुझे चाहिए। हिमालय सा महान और भगवान सा दयालु मेरे भैया मुझे चाहिए। अरे ये कैसा शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, कॉलेज का लेक्चर यहीं देना शुरू कर दिया है क्या? ये लोग हमसे अलग होना चाहते हैं। अच्छा बड़ी अच्छी बात है शौक से। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? मोहन इतने मतलबी हैं कि मकान बर्तन जेवर सभी कुछ चाहते हैं। ठीक है बहुत अच्छी बात है। हम दोनों को भी इन्होंने अपने हिस्से में ले लिया है, अब हम आजाद नहीं हैं। अच्छा हम पर अब इनकी हुकूमत है। वो तो पहले से थी, तब तो सिर्फ जबानी करनामा था, आज इस पर मोहर लगकर जाते की कार्रवाई पूरी हो गई। ये तो और भी अच्छा है। प्रभा प्रभा बेटी, मैंने आज तक इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्या तुम वाकई हम दोनों से अलग हो जाना चाहती हो? मैं तो सोचता था कुछ दिन तुम और रुक जाती, हम तुम्हारे नन्हे को देखते खिलाते, उसके बाद भले ही तुम। भैया तब और अब में कोई फर्क नहीं, आग आग ही रहेगी। गुस्ताखी माफ करें लेकिन अब मैं भी कुछ कहने के लिए मजबूर हो गई हूँ। आप मेहरबानी करके मुझे सदा के लिए मैके पहुँचा दीजिए। भैया की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें तुम्हारे यहाँ पहुँचाऊंगा। चलो मोहन मोहन सुनो तो तुम सुनो सुनो तो मोहन
लड़का हुआ? लड़का हुआ? वंडरफुल! मेरे प्रभा को लड़का हुआ? क्या है अब आप ग्रानी आई मीन नानी बन गई? क्या सर्जी माई जस्ट कंग्रेचुलेशन यूरोप में? ओहो निधि मानचंद आप यूरोप में क्यों नहीं रहती? आपका यूरोप यूरोप सुनते सुनते मेरे कान पर गए। ये मेरा इंसल्ट है, डायरेक्ट इंसल्ट। मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती। मैं जाती हूँ मिसेज राय दादा, पर इतना याद रखो कि सोसाइटी लेडीज यूरोप में जाइए जाइए जल्दी से यूरोप का टिकट कटाइए। ऑलराइट। वो आए नहीं ना? मैं क्या कह रही थी, यहाँ का खाना ना मैं घर से बढ़िया भेजन। हाँ लेकिन मैं क्या कह रही थी कि मैं जरूर खाना, अब मैं जाके सबको खुशखबरी देती हूँ। जाओ जाओ मुझे कहलवा देना माँ। ठहरो, इतने बंठन के कहाँ चले? समितियों के यहाँ जा रहा हूँ तो कुछ खबरें सुनाने और उनका मुंह मीठा कराने। नहीं उनके यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? वहाँ तुम गए तो वो समझेंगे कि हम उनके सामने झुक गए। वो कुछ भी समझे तो मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं खुद जाकर उनको ये खुशखबरी सुनाऊंगा और जो कुछ हुआ है उसकी माफी मांगूंगा। ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये होकर रहेगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगी। मैं तुम्हें ठुकरा कर चला जाऊंगा। मैं जान दे दूंगी। बहुत अच्छा करोगी। मेरा क्या बिगड़ता है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। आज ये घर तुम्हें क्या हो गया? आज तक कभी मुँह न खुला और अब खुला तो। इसी को कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। लेकिन सुनो, नीचे के सुर में बोलो, नीचे के सुर में। मेरी बात मानो। तुम्हारी बातें मानकर ही मैंने अपना सत्यानाश किया है, मगर अब मैं अपनी बेटी का सत्यानाश नहीं होने दूंगा। मैं इतना ही चाहती थी कि कुछ दिन और हम तने रहते तो दामाद यहाँ आकर रहने पर तैयार हो जाता और फिर प्रभा के अपमान का पता चुक गया था। प्रभा का ऐसा कौन सा अपमान किया उसने? यही ना कि वो अपने भाई से अलग नहीं हो रहा। नादान औरत, तूने मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया, अब उनका घर बर्बाद करना चाहती है। है तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? अरे महादेवा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे पैसे से बढ़ गए क्या हुआ? मैं क्या कह रहा था? तुम समझो क्या जा रहे थे, समझो क्या जा रहे थे तुम? तुम कहो तो जाओ, तुम कहो तो ना जाओ। समझो क्या जाओ। अरे महादेवा, तुम्हें पानी लिया। ना ना ना, इस तरह को दिल छोटा करते हैं? हाँ नहीं, आराम करो, आराम करो। ये अभी की आंख के आंसू नहीं सूख पाते। उसे बच्चों से प्यार है लेकिन भगवान उस पर दया नहीं करते। बार बार ऐसा होने से बेचारी का दिल टूट गया। अभी जैसे बेकसूर लोग दुनिया में इस तरह सताए जाते हैं तो भगवान और भाग्य पर से भरोसा उड़ जाता है। ये बात नहीं है मोहन, भगवान की लीला अपार है, उसकी हर करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कभी हम उसे समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते। लेकिन जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, जो दूसरों की भलाई के लिए जी जान से जुटे थे, उसके तीन तीन बच्चे उठा लेने में भगवान का इंसाफ देखना आप जैसे भले लोगों का ही काम है। मुझे तो इसमें उसकी बेइंसाफी साफ नजर आती है। अरे भाई श्याम बाबू घर में है? ओ श्याम भैया आइए। ओ आज मेरो मन पुलकित भयो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आज इतनी धूप में कैसे तकलीफ थी? एक काम ही ऐसा पड़ा कि मुझे धूप में आना पड़ा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या, मेरा सारा घर खुश है। बात यह है कि मोहन बाबू के यहाँ लड़का हुआ है, यानी कि तुम्हारे यहाँ भतीजा। भीम की तरह खूबसूरत और भगवान की तरह भगवान। मैंने देखा तो नहीं मगर मेरी घरवाली ने बताया है कि वो इतना हंसमुख है कि पूछो नहीं। पैदा होने के 1 घंटे के बाद सारे गावा पादा नीचे गाने लगाया।
आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? भाभी को फिर अधूरा फिर ऐसा हुआ पता नहीं क्यों, मगर मैंने ऐसा देखा है कि भगवान कभी किसी को खालिस सुख नहीं भोगने देता। इसका कारण खालिस सुख को इंसान पचा नहीं सकता, पचाने की उसमें शक्ति नहीं, इसलिए सुख का फल दुख के छिलकों से ढका रहता। ये बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची। मोहन अंदर जा, अपनी भाभी को ये खुशखबरी सुना। भाभी मैंने सुना मोहन, बड़ी खुशी की बात है, घर में कुल दीपक पैदा हुआ है। आप मुझे इजाजत दीजिए, बच्चे को देखने के लिए आप घर जरूर आइएगा। ये मैं यहाँ के लिए नहीं लाया, सच कहता हूँ मैं यहाँ के लिए नहीं लाया श्याम बाबू। समझ गया। आप नाना हो गए हैं ना, आप हमें खुशखबरी सुनाने और मिठाई खिलाने हैं ना? लो मोहन वो मिठाई। नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। नहीं अच्छा तुम सब की तरफ से मैं ही खा लेता हूँ। संसार में दुख सुख का चक्कर तो चलता ही रहता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ना उठूं तो क्या करूं, जी उठ गया है लेते लेते। पर तुम अभी कमजोर हो, 6 महीने से पहले तुम्हें नहीं उठना चाहिए। बच्चा हो तो जच्चा का आराम भी ठीक लगता है मोहन, पर मेरी तकदीर में तो वो सुख नहीं है। मेरी बात मानो भाभी, तुम्हें 2-1 महीने और अभी बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। आराम नहीं किया तो सेहत सुधरेगी कैसे? सेहत 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 क्या हो गया है मेरी सेहत को? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ी रहूं और तुम लोग घर का काम काज करते रहो। मैं समझ गया तुम प्रभा को यहाँ लाने के लिए मुझे सुझा रही हो, पर भाभी मैं तुमसे विनती करता हूँ मुझे और कुछ भी करने के लिए कहो, पर मैं प्रभा को यहाँ नहीं ला सकता। नहीं बुलाते तुमने सही, हम यहाँ बड़े मजे में हैं, हमें यहाँ किस बात की कमी है? इतने दिन हो गए मगर दामाद साहब अभी तक बच्चे को देखने के लिए नहीं। और अब तुम मुझे बुलाना भी नहीं, देखती हूँ कितने दिन अकड़े रहते हैं। इस बात से मुझे बिल्कुल इत्तफाक नहीं है, तुम्हें ऐसी बातों को ज्यादा तानना नहीं चाहिए और ऊन ज्यादा है इसलिए भूनना नहीं चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए? अपने अपने घर जाना चाहिए बगैर बुलाए। अजी अपने घर जाने में बुलावे की क्या जरूरत है? क्या कहा? आंखें ना दिखाओ आंखें, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तुम्हें जो कुछ करना करो। बड़े साहब कहते हैं बुलावे की जरूरत नहीं, हमें कुछ मान पान देना नहीं है, मैं तो प्रभा को नहीं भेजूंगी ना मेरे लॉर्ड ने। मेरा लॉर्ड है बाहर जा रही हो क्या? कहाँ जा रही तुम? भगवान के दर्शन के लिए जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। आजकल भाभी को क्या हो गया? क्या कहूँ, अगर तुम प्रभा को और बच्चे को घर वापस ले आओ तो शायद इसकी हालत कुछ सुधर जाए। नहीं भैया अब जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर प्रभा को घर पर नहीं ला सकता। अच्छा बाबा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों की जिद जाने इस घर में क्या क्या गुल खिलाएगी। भगवान के लिए एक पैसा दे दे माई। तेरे बच्चे सुखी रहे, एक पैसा बाबा, एक पैसा।
अच्छी हो ना? जी नन्ना कहाँ है? सोया है। हाँ गहरी नींद पे सोया है। क्या एक बार सोता है तो फिर घंटों नहीं उठता। अभी अभी सोया है तुम्हारे आने से पहले। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे बच्चे को सुना बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। अरे प्रभा देखती क्या बैठी है, जा चाय के लिए जा। नहीं नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं। क्यों पियो ना चाय, चाय में क्या खर्च है। नहीं तकलीफ मत कीजिए। हमारे दामाद साहब आएंगे बच्चे को देखने। सुना है तुम्हारी बात बहुत मानते हैं, भगवान समझ कर पूजा भी करते हैं। भगवान तो सदा यही चाहते हैं कि उनका भक्त सुखी रहे। नन्ना शायद नींद में रो रहा है, तुम बैठो। नन्ने के लिए लेकर आई थी, सोकर उठे तो दे देना। अच्छा आ रही हूँ बहू। ये तो उनकी मर्जी पर है जिन्हें हमने लड़की दी है। नमस्ते। नमस्ते ये सब क्या हो रहा है? हम लोग काशी जा रहे हैं मोहन। भैया आप भी भाभी के कहने में आ गए। भाई बहुत दिनों से इनकी ख्वाहिश थी और मुझे भी इत्तेफाक से 6 महीने की छुट्टी मिल गई, सोचा चलो हो ही है। भाभी क्या तुम सच में जा रही है? यहाँ हर शख्स जब अपनी मनमानी कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूं। नहीं भाभी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ये नामुमकिन है। मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुनिए गाड़ी का वक्त हो चला है, आप टांगा लाने जा रहे थे ना? मोहन जरा एक टांगा लिया। वो क्यों लाए? आप जाइए और ले आइए। आप जाइए और ले आइए, मेरे लिए तो भैया क्यों जाएंगे। मैं कह देता हूँ भाभी तुम तीर्थ यात्रा करने नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। बड़ी चली आपकी, मैं भी देखता हूँ तुम तीर्थ यात्रा करने का। क्या कर रहे हो, कपड़ों में तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भैया तुमने मुझे पाल पोस कर क्यों बड़ा किया? क्यों तुमने मुझे ममता क्यों दी? क्यों प्यार जुला दिया? क्यों मेरी मां बनी? इसलिए कि बड़े होकर तुम मेरा अपमान करो। नहीं भाभी नहीं, मैं तुम्हारे अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे इतना सख्त बर्ताव क्यों कर रही हो, क्यों घर से दूर जा रही हो। सिर्फ इसलिए ना कि मैं प्रभा और बच्चे को यहां नहीं ला रहा हूं। मेरा चाहे जितना अपमान हो तो कोई परवाह नहीं, पर मैं वहां जाऊंगा और उन्हें यहां ले आऊंगा। ना जीते रहो बेटा जीते रहो। बस बस इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। सुखी रहो। अगर आप हमें सच में सुखी देखना चाहती हैं तो मेहरबानी करके हमारी गृहस्थी में दखल न दीजिएगा, तब एक वक्त ऐसा जरूर आएगा। अरे बेटे जरूर आएगा, तू क्यों घबराता है? मैंने कल ही इनको सीधा किया है। क्या सबके सामने? बगैर थोड़ी है अपनी तो है। अरे ओ महादेवा संभाल लो नीचे, आओ बेटा। देख प्रभा तेरी जेठानी के बच्चे बचते नहीं, ऐसी औरतों की नजर बहुत बुरी बुरी होती है।
कहीं मेरे चांद को उसकी नजर न लग जाए। अच्छा माँ जाओ सुखी रहो। आओ देवरानी। हेलो प्रभा। भाभी ये मेरी छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार करो। मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा जिया सहज हर शाया रे, मेरा जिया सहज हर शाया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। आज गगन में चंदा देखा, आज फूल ने हंसना सीखा, आज गगन में चंदा देखा, आज फूल ने हंसना सीखा, दीप से दीप जले आशा के घर आंगन मन भाया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। मुस्काता जब शाम सलोला, हंसता घर का कोना कोना, मुस्काता जब शाम सलोला, हंसता घर का कोना कोना, पुलकित तन है मुकुलित मन है, आंचल मेरा लहराया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। घुटनों के बल चले छबीला, आंचल पकड़े कभी हटीला, घुटनों के बल चले छबीला, आंचल पकड़े कभी हटीला, लाल लाडली तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। तू वसंत तू शरद सुहावन, तू फागुन है तू ही पावन, तू वसंत तू शरद सुहावन, तू फागुन है तू ही सावन, हर के वरदानों की तुझ पर रहे सुशीतल छाया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा जिया सहज हर शाया रे, मेरा जिया, मेरा जिया सहज हर शाया रे, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा कन्हैया। मैंने कहा मैं कुछ दिनों के लिए प्रभा के यहाँ जाके रहूं, बच्चे को देखे बिना अब मुझे चैन नहीं आएगा।
जानती हो हमारा तुम्हारा क्या तय हुआ था? क्या? यही कि हम दोनों हर रोज इकट्ठे बैठकर गीता जी का पाठ करेंगे। इतनी उम्र हो गई तो दुनिया के झंझटों से अपने मन को मोड़ो। इधर आओ, आओ इधर आओ, उठो, आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठो, बैठो, बैठो। हाँ, अब पढ़ाई शुरू करो। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। कितनी बड़ी किताब है, मेरी जिंदगी में शायद ही पूरी होगी। ये जिंदगी भर की खुराक है। चलो आगे पढ़ो। हे अर्जुन, हे अर्जुन। अर्जुन बड़ा बलवान था, जरा जोर से पुकारो उसको, हे अर्जुन, हे अर्जुन। और दिल से कहो बाबा, ये गीता हमारे धर्म में सबसे उत्तम ग्रंथ रत्न है। हाँ। मेरे छोटे से राजदुलारी जैसा पूरे साल भर का हो गया आज। आज आपकी सालगिरह है, आज आप साल भर के हो गए। मुस्कुराई मुस्कुराई ना, मुस्कुराई ना, मुस्कुराई ना। हाँ ये ठीक है, पूरे साल भर के हो गए। मेरे तो बड़े भाग जो आपकी खिदमत करने का मौका मिला। आज मेरे सुनी को भर गई। अरे बाबा, तुम तो बाबा दिखते बच्चे के घर में आते ही भाभी को नई जिंदगी मिल गई। उन थोड़े ही दिनों में शैतान उनके साथ ऐसा घुल मिल गया है जैसे उसकी माँ वही हो। उन्हें अगर इसमें सुख मिलता है तो लेते रहे बेचारे, वरना दुनिया जानती है कि बच्चे की असली माँ कौन है। वारी असली माँ जिस माँ को नावल पढ़ने के चक्कर में इस बात का भी होश न हो कि आज उसके बच्चे की सालगिरह है, वह असली माँ बनने का नाटक भले कर ले पर असली माँ बन नहीं सकती। क्या कहा आपने, आज मेरी मुन्नी की सालगिरह है? सच, ये मैं कैसे भूल गई। मुन्ना, मेरा मुन्ना। तुम जिठाने के बच्चे बचते नहीं, ऐसी औरतों की नजर बहुत बुरी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान पे उसकी नजर लग जाए। बच्चे की माँ मैं हूँ, आज से मैं बच्चे को संभालूंगी। आप घर का काम कीजिए। मुन्ना क्यों रो रहा है, उसे चुप्पी करो कि या नहीं? क्या हट गर्मी है तुम्हारी? कोई तो चीज ही क्या है, दूध क्या पिलाती हो? मेरी माँ ने ठीक कहा था, इसे भाभी की नजर लगी है, इसी वजह से मेरा दूध टूट गया और बच्चा बीमार हो गया। अपनी माँ की अकल की बातें मुझे मत सुनाओ। कहने लगी बुरी नजर है, अगर उसे भाभी की नजर लग सकती है तुम्हारी क्यों नहीं लग सकती? मैं इसकी माँ हूँ, अपने लोगों की नजर खिला कभी बच्चे को लगती है? क्यों नहीं लग सकती? अगर हम बच्चे को ज्यादा मिकदार नसीब दे दें तो क्या माँ बाप होने के नाते हम उसे बचा सकते हैं? कैसे अशुभ बातें करते हो अपने बच्चे के बारे में?
यहाँ तो कोई सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं। हर आदमी मुझसे और मेरे बच्चे से खार खाता है। क्या कहने, जैसे दुनिया में किसी और को बच्चा ही ना हो जो आपके बच्चे से खार खाए। लाओ बच्चे को मुझे दो, भाभी के पास जाते ही अभी बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चे को बुखार है, ये छटपटा रहा है, इसे तुमने छुआ तक नहीं। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा? मुन्ने को अपनी माँ के पास ही रहने दो, वो वहीं रहे तो अच्छा है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, पहले बच्चे को लो, लो बच्चे को। नहीं मोहन, नहीं, ये सुख मेरे नसीब में नहीं। कुछ लोगों के भाग में सुख लिखा होता है और कुछ लोगों के भाग में उसे सुख होता है। तो मैं कैसे मैं इस बच्चे की अगर आगे बढ़ूं? बच्चे को लो, बच्चे को लो, कैसे मैं तुम्हें इस बच्चे की? शस्त्राणि नैनं दहति पावका। न जाने आज मेरी दैनी आंख क्यों फड़क रही है। प्रभा के यहां से न कोई चिट्ठी पत्री, न कोई समाचार, पता नहीं बच्चा कैसा है। भगवान की दया से सब कुशल होगा। मैं कल उनके यहाँ जाकर बच्चे को देखूँ। नहीं तुम नहीं जाओगी। हाँ ठीक कहता हूँ, जानती हो उस दिन हमारा दामाद हमें क्या कह गया था? उसने कहा था कि प्रभा का स्वभाव जब सुधर जाएगा तो वो खुद आकर हमें ले जाएगी। पर कुछ नहीं, इतने दिन हो गए तुम्हें गीता का पाठ करते हुए, अभी तक मोह माया का झंझट नहीं निकाला दिमाग में से तुमने। चलो बैठो मेरे पास और गीता पढ़ो। बैठ। इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते थे और इसको आग नहीं जला सकती है तथा इसको जल नहीं गीला कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है। ये अर्थ है इस श्लोक का। चलो अब तुम भी पढ़ो जरा। चलो रहो, सुनो मेरी बात। बुखार तेज है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं दवा भेज देता हूं। बुखार उतरा डॉक्टर साहब? नहीं। तुम्हें खाने पीने का भी खुश नहीं मेरे देने वाले खाने? नहीं मम्मी, अब तो खाना तभी खाऊंगी जब मुझे अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है ये मियाँ जी बुखार है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं दूसरी दवा भेजता हूँ।
क्या मुन्ने को सचमुच मेरी नजर लग गई? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। इसे किसी भी तरह अच्छा कर दो, इसकी रक्षा करो प्रभु, चाहो तो मेरे प्राण ले लो। मुन्ने को अच्छा कर दो, मुन्ने को अच्छा कर दो भगवान, इसकी रक्षा करो, मुझ पर दया करो भगवान, मुन्ने को अच्छा कर दो, इसे कैसे हंसता है। नॉर्मल है, शुक्र है। बहुत बड़ा खतरा चल गया डॉक्टर साहब, भगवान की दया से और आपकी मेहनत से हमारी लाज बच गई। भाभी ने भी बड़ी जीत उड़कर बच्चे की देखभाल की है। भाभी इसे तो नाक दिखा रहे हो, कितने दिनों के बाद बेचारी की आंख लगी? नहीं भैया, इन्होंने दुख की घड़ी जाकर काटी है, तो सुख की घड़ी मैंने सुन ली, अब इनको जगह वगैरह में चैन नहीं आएगा। अच्छा तो मैं चलूं, फिलहाल वही दवा चालू रखिएगा।
भाभी उठो ना भाभी, सुनो बच्चे का बुखार उतर गया। हाँ बच्चा ठीक हो गया। सच भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी देवरानी अपने बच्चे को संभालो। नहीं नहीं भौजी, अब मुझे और शर्मिंदा न कीजिए। मुझे अपनी गलती का पता चल गया है। आपके बारे में गलत फहमी लेकर मैंने इस घर में कदम रखा था। यही कारण है कि मैं आपके अच्छाइयों को न समझ सकी, आपके बड़प्पन को न पहचान पाई। मैं समझ नहीं पाती कि मैं किस तरह आपसे माफी मांगू। नहीं नहीं, बच्चा आपका ही है, आप ही ने उसे बचाया है। बच्चा आपका ही, मेरा नहीं पहुंचे। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो प्रभा? इसे बचाने वाली मैं कौन होती हूँ? इसे मैंने नहीं, मेरे भगवान ने बचाया है। उसी ने आज मैं भाभी भाभी याद की जरूरत है। आप ये दवाई आप फौरन मंगवा लीजिए। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा बता ना क्या? कुछ नहीं, उन्होंने कहा हालत खतरनाक नहीं है लेकिन एहतियात की बहुत जरूरत है। सच ही कहते हैं
घर अब बड़ा बुरा लगता है। तुमने अपनी बात कह दी भाभी, पर मेरी भी सुन ली। इस घर के दरवाजों के पीछे जो आड़ छिपी, उस घर के कोने कोने में जो सुख चैन छिपा, सब तुम्हारी बदौलत है। तुम मेरा क्या होता, भैया का क्या होता, घर का क्या होता। आंखें मेरी ज्योति कुमारी,
रह लगाई है गलियारी, आंखें मेरी ज्योति तुम्हारी, रह लगाई तुमने जो हाथ बढ़ाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। सुनाइएगा? हाँ जरूर, ये तो बहुत अच्छी किताब है, कल से जरूर सुनाया करूंगा तुमको। अच्छा, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आओ यहाँ आओ, बैठो। अरे हमारा तुमसे कौन सा ऐसा राज है, हम तो यही बातें कर रहे थे जैसे हर रोज किया करते हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात है, चांद की चांदनी में बैठे हुए दो दोस्त चांद की ठंडक को तो महसूस कर सकते हैं लेकिन चांद की किरणों को तो नहीं गिन सकते। यही हाल हमारा है, हमारी बातों को खास मकसद नहीं होता लेकिन बातें करने में आनंद जरूर मिलता है। आपने देखा अपनी चमेली पर फिर बाहर आई है। हाँ ठहरिए, मैं अभी आपके लिए कुछ फूल चुन लेती हूँ। नहीं नहीं, फूल तोड़ने से बेल सुन्नी हो जाएगी। ऐसी निराशा वाली बातें क्यों करती हो भला? प्रभा जाओ फूल ले आओ। जी मेरा कुमकुम फीका पड़ गया है, जरा लगा दो। अभी लगाती हूँ। वैसा मत लगाना जैसा मैं रोज लगाती हूँ। मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन एक बार इन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारे माथे पर अधखिले चांद सा कुमकुम बहुत अच्छा लगेगा। मैं उस बात को भूली नहीं लेकिन कभी भी वैसा कुमकुम लगा नहीं सकी। आज तुम वैसे ही कुमकुम लगा दो। ये लो फूलों का कचरा। देखिए
अकेले चांद सा कुमकुम अच्छा लगा। बिल्कुल दूज के चांद की तरह, जानती होगी तू आज आकाश में भी दूज का चांद है। अच्छा शब्द है ना मेरा चांद कहाँ है? ये रहा, आपके पुकारने की राह देख रहा था। महादेव शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्राय। इस तरह भगवान के होने का कोई सबूत नहीं दिया जा सकता, इसी तरह अब इसके होने का भी मैं कोई सबूत नहीं दे सकता। जिसने जीवन भर मेरा साथ दिया और हमेशा चंदन की तरह खिंचती चली गई, रो क्यों रहा है मोहन? भैया तकदीर ने मुझसे दो बार बदल लिया, मेरे पैदा होते ही मेरी मां चली गई, उनके लिए मैं आज भी निभा पाया था, भाभी ने मुझे मां का प्यार दिला दिया, आखिर वो भी मुझे छोड़कर चली गई और मां के ना बहाए हुए आंसू भी वसूल करती थी। भैया देखा भाभी की चूड़ियां, ऐसा कहते हैं कि सती की चूड़ियां जला नहीं करती, मेरी भाभी ऐसी ही सती थी। भाभी ज्योति कलश चलते